भक्तों को अमृत पान कराने के लिए भगवान ने 13वां अवतार मोहिनी रूप में धारण किया। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान ने नृसिंह रूप धारण कर और इस धरती पर 14वां अवतार ग्रहण किया। कश्यप मुनि की पत्नी अदिति के गर्भ से भगवान ने 15वां अवतार वामन रूप में लिया और भगवान ने राजा बलि पर कृपा की। ब्राह्मणों की रक्षा हेतु जब इस धरती पर आताताई क्षत्रियों का आतंक बढ़ गया था, तब भगवान ने परशुराम रूप धारण कर और 16वां अवतार परशुराम के रूप में भगवान ने लिया। महामुनि पाराशर के द्वारा सत्यवती के गर्भ से वेद व्यास के रूप में भगवान 17वें अवतार में आए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में भगवान ने 18वां अवतार धारण किया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम बनकर भगवान 19वें और 20वें अवतार में आए। 21वें अवतार में भगवान ने हंस रूप धारण किया और सनकादि ऋषियों को भगवान ने उपदेश दिया। समस्त वेदों की रक्षा करने हेतु भगवान ने हयग्रीव बनकर 22वां अवतार ग्रहण किया और 23वें अवतार में भगवान ने बिहार प्रांत में राजा अजन के पुत्र के रूप में भगवान बुद्ध के रूप में अवतार धारण किया। और हे शौनकादि ऋषियों, जब घोर कलिकाल आएगा, जब मछलियां समुद्र छोड़कर पेड़ों पर चढ़ेंगी और ऊंट रेगिस्तान के ऊंट समुद्र में तैरेंगे, जब 9 वर्ष की बच्ची नानी बन जाएगी, तब घोर कलिकाल के समय में ये भगवान 24वां अवतार कल्कि रूप में धारण करेंगे। अभी तक भगवान के 23 अवतार ही हुए हैं, 24वां अवतार अभी होना बाकी है। और वो कब होगा? कलयुग के अंतिम चरण में। जब तक महाराज न जाने हम कितने जन्म ले चुके होंगे। जानते हो अभी कौन सा चरण चल रहा है कलयुग का? कौन सा चरण है? प्रथम चरण। ये कलयुग का प्रथम चरण है। भगवान श्री कृष्ण को इस धराधाम को छोड़कर गए हुए मात्र 5,500 वर्ष ही हुए हैं। और जानते हो इस कलयुग की आयु क्या है? ये कलयुग कितने वर्ष का है? 4,32,000 वर्ष। कितने? 4,32,000 वर्ष इस कलयुग की आयु है। और हमारी आयु कितनी? कोई नहीं बता सकता। तो बताइए ना, कितने जन्म हम धारण करेंगे? न जाने कितनी योनियां हम धारण करेंगे। क्या प्रभु के अवतार को हम देख पाएंगे? जब प्रभु कल्कि बनकर आएंगे, क्या हम प्रभु के दर्शन करेंगे? बताओ ना, करोगे? नहीं करोगे ना। अब देखो, कलयुग का जब अंतिम चरण आएगा, तब न जाने हम किस योनि में होंगे, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन आज मेरी व्यासपीठ ये कहती है कि आज इस जन्म में, इस घड़ी में, इस काल में मेरा प्रभु भागवत के रूप में अवतरित हो चुका है महाराज, और आप उसके दर्शन कर रहे हैं। यही तो प्रभु दर्शन है और क्या है। लेकिन मनुष्य मानता नहीं है ना। मनुष्य के तो जीवन में मैं लगी रहती है। बस मैंने ये किया। और जानते हो मैं कौन करता है? कौन करता है? बकरा करता है। इसलिए बकरे को अहंकार का प्रतिरूप बताया गया। उसकी समझ में नहीं आता कि उसके जीवन के सारे कार्य तो प्रभु करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु की कृपा के बगैर कोई काम नहीं होता जीवन में। बताइए ना, अगर प्रभु कृपा नहीं करते तो क्या हमें जीवन मिलता? बताइए, अगर प्रभु कृपा नहीं करते तो बहुत बढ़िया परिवार में हमारा जन्म होता, ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म होता? नहीं महाराज, कितनी कृपा की है उस हरि ने, मानव देह दी, उसके बाद में भी उच्च कुल में जन्म दिया, अच्छे माता पिता दिए, अच्छे भाई बहन दिए, अच्छा परिवार दिया और अच्छी सत्संग दी, अच्छी भागवत कथा दी महाराज, ये उसी की तो कृपा है ना। लेकिन ये मनुष्य मानता नहीं है। मनुष्य क्या कहता है? मैंने किया। प्रभु क्या कहते हैं?
प्रभु कहते हैं कि तू करता वो है जो तू चाहता है और होता वो है जो मैं चाहता हूं। यही तो होता है हम सबके साथ में कि तू करता वो है जो तू चाहता है, होता वो है जो मैं चाहता हूं। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि अब तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर वो होगा जो तू चाहता है। जब हम हमारी रजा हमारा मन और हमारा हृदय प्रभु के साथ मिला देते हैं, तब इस मनुष्य का अहंकार छूट जाता है। तब ये प्रभु अपने भरे हुए हृदय से उस परमात्मा को कहता है कि हे हरि, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, हो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि आप ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हो कि मेरा काम जो है वो ठाकुर करते हैं। किन किन को लगता है हाथ खड़े करके बताइए, दोनों हाथ खड़े करें। तो जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए उनके काम वो स्वयं करते हैं, सबको लगता है ना। तो जो हमारे काम बनाता है क्या उनको धन्यवाद नहीं देंगे उठकर नाचकर और गाते हुए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया।
से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गोविंद सब काम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गिरधारी जी, आपको नहीं लगता कि आपके काम मेरा कन्हैया करता है? लगता है तो फिर आगे आकर कन्हैया को धन्यवाद दीजिए। लोहिया जी, जुगल जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी उसे आने में 2 दिन बाकी हैं और वो तब तक नहीं आएगा जब तक आप उसको पुकारोगे नहीं। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है? तुम साथ हो जो मेरे प्यारे, किस चीज की कमी है? किसी और चीज की अब हे बाबा सरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है, दरकार भी नहीं है। आप की दया से सब काम हो रहा है, मेरा आप की दया से सब काम हो रहा है। गाओ टूटी हुई वाणी से
ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम सिरा है से। गाइए ना, गाइए ना, मेरा आपकी सब काम हो रहा है। इस मनुष्य के जीवन के सभी कार्य मेरा वो हरि करता है, हरि ही करता, हरि ही भोगता, बस हरि ही है। जहां देखो यत्र तत्र सर्वत्र उसी की सत्ता, उसी का नूर दिखाई देता है। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, एक समय द्वापर युग में श्री वेद व्यास जी महाराज परम पावन सलीला सरस्वती नदी के तट पर बड़े उदास मन से विराजमान थे। उसी समय अपनी वीणा का नाद झंकृत करते हुए नारद जी भगवान वहां पर पधार गए। ज्यों ही नारद जी वहां पर पधारे, वेद व्यास जी महाराज उठकर खड़े हो गए। उठकर वेद व्यास जी ने नारद जी को प्रणाम किया, नारद जी का अभिवादन किया। आज भगवती सरस्वती अति शांत बह रही है, क्योंकि भगवती सरस्वती जानती हैं कि आज मेरे इस तट पर, आज मेरे इस किनारे पर दो महान संतों का मिलन हुआ है। व्यास जी ब्रह्म ऋषि हैं, ध्यान से सुनना, व्यास जी ब्रह्म ऋषि हैं और नारद जी देव ऋषि हैं। आज ब्रह्म ऋषि और देव ऋषि का मिलन हो गया, आज दो महान संत मिले और उनके सत्संग से आज एक कथा प्रकट होने वाली है। ज्यों ही नारद जी ने वेद व्यास जी को उदास देखा, नारद जी पूछने लगे कि हे वेद व्यास जी, आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, वीतरागी हैं, आपके मुखमंडल में ये उदासी कैसी? वेद व्यास जी कहने लगे कि हे नारद जी, मैंने कई पुराणों का लेखन किया, कई वेदों का विस्तार किया, मैंने कई मंत्र लिखे, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है, मेरा मन बड़ा अशांत है, बड़ा अशांत है। नारद जी कहने लगे कि हे वेद व्यास जी, ये बात सत्य है कि
कि इस संसार में इस समय आपसे बढ़कर कोई भी ज्ञानी नहीं है। आपने बड़े बड़े वेदों का विस्तार किया, पुराणों का लेखन किया, मंत्रों की रचना की, लेकिन हे वेदव्यास जी, आपने अभी तक कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जिस ग्रंथ में भगवान की लीलाओं का दर्शन होता हो। और हे वेदव्यास जी, जब तक कोई जीवात्मा भगवान की लीलाओं का दर्शन अपने जीवन में नहीं करती, तब तक उस जीवात्मा की आत्मा को शांति नहीं मिलती। हे वेदव्यास जी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म की एक कथा सुनाता हूं, ध्यान देकर सुनो। हे मुनिवर, पिछले जन्म में मैं वेदवादी ब्राह्मण की एक दासी का पुत्र था। मैं अपनी माता के साथ संत महात्माओं ऋषि मुनियों की सेवा में लगा रहता था। उन ऋषि मुनियों के झूठे बर्तन साफ करना, उनकी सेवा करना, ये मेरा नित्य का कार्य था। शाम के समय उन ऋषि मुनियों के बर्तनों में लगी झूठन खाकर मैं अपना पेट भरता था। उनकी झूठन खाने और सेवा करने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया। और जब चातुर्मास पूरा कर वे महात्मा जाने लगे, तो उन्होंने मुझ पर कृपा की और मुझे गूढ़ ज्ञान का उपदेश दिया। कुछ समय बीतने पर मेरी माता को रात्रि में एक सर्प ने डस लिया, उससे मेरी माँ की मृत्यु हो गई और मैं भगवान के ध्यान भजन में लग गया। उन महात्माओं द्वारा बताई गई विधि के अनुसार वन में बैठकर आंख मूंद कर मैं परमात्मा का ध्यान करता। ध्यान करते 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 मेरे हृदय में उस परमात्मा की छवि का दर्शन होने लगा। लेकिन मैं ये चाहता था कि मुझे परमात्मा साकार रूप में दिखाई दे, मेरा मन विचलित हो जाता। और जब मेरा मन बहुत ज्यादा विचलित हो गया, मैंने प्रभु को पुकारा, तो हे वेदव्यास जी, उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कहने लगी कि हे नारद, तुम इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे, अब तुम इस मरण धर्मा शरीर को त्याग दो, अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद बनोगे, तब तुम्हें मेरा दर्शन होगा। नारद जी ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक हैं। एक दिन जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि बेटा, तू भी मेरा थोड़ा इस कार्य में हाथ बटा। लेकिन नारद जी ने मना कर दिया। जब नारद जी ने मना किया, ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि तेरा मन व्यर्थ इधर उधर की बातों में लगा रहता है। वेद व्यास जी ने जब नारद जी के शब्द सुने, वेद व्यास जी का असंतोष दूर हो गया। वेद व्यास जी कहने लगे कि हे नारद जी, आज आप मेरे जीवन में गुरु बनकर के आए हैं, आज आप साधु बनकर नहीं आए, आज आप गुरु बनकर आए हैं। गुरु तो शिष्य को परमात्मा से मिलाने का मार्ग प्रदान करता है। साधु लोग क्या करते हैं? साधु ये कहते हैं कि गुरु ऐसा चाहिए जो स्वयं आनंद से भरा हुआ हो, और उस आनंद का भरा हुआ प्याला स्वयं भी पीवे और उस शिष्य को भी पिलावे। ऐसा ही गुरु मेरे मन को भावे। पीवे और पिलावे, साधु ऐसा ही गुरु भावे साधु। ऐसा ही गुरु भावे साधु, राग रंग का भर भर प्याला पीवे और पिलावे साधु। ऐसा ही भावे साधु।
खुद छिपा तन में मैं मन में कोई पता न पावे तन में मन में कोई पता न पावे चांद सूरज सा हो चल गुरु का चांद सूरज सा लोचन गुरु का देखे और दिखावे सात सुरा के वाणी मेरी सात सुरा राग रंग का भर भर प्याला पीवे गुरु दे गुरु दे गुरु दे गुरु दे गुरु दे गुरु तो वही होता है ना जो अपने शिष्य को अपने जैसा बना देता है। गुरु में और पारस में एक भेद है। पारस नाम का एक पत्थर होता है। पारस क्या करता है? पारस को अगर किसी धातु को स्पर्श करो, पारस पत्थर से अगर किसी धातु को स्पर्श करवा दें तो वो पारस उसको सोना बना देता है। लेकिन गुरु क्या करता है? गुरु को भी पारस कहा है, लेकिन वो जो पारस पत्थर है वो तो सोना बनाता है। और जब कोई गुरु अपने शिष्य को छू लेता है, अपने शिष्य को स्पर्श कर लेता है, उस शिष्य को अपने जैसा बना देता है। राग रंग का भर भर प्याला पीवे और पिलावे साधो ऐसा ही गुरु भावे। आज नारद जी गुरु बनकर वेद व्यास जी के जीवन में आए और वेद व्यास जी के जीवन का संताप दूर कर दिया। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के उन सोते हुए पांच पुत्रों को मारा। अर्जुन पकड़कर अश्वत्थामा को लाया, लेकिन द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अश्वत्थामा गुरु पुत्र था। मुच्यताम मुच्यताम एषः, हे अर्जुन इस बेचारे को छोड़ दो। मुच्यताम मुच्यताम एषः ब्राह्मणो नितराम गुरु, ब्राह्मण हमारे गुरु हैं क्षत्रियों के, इसलिए हे अर्जुन इसे मारो मत, इसे छोड़ दो। ये कहकर और अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकालकर शिखा छेदन कर उसे छोड़ दिया गया। भगवान कृष्ण द्वारिका की ओर जाने को तैयार हुए। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। एक एक कर सभी से भगवान कृष्ण मिल रहे हैं। भगवान कृष्ण पांचों पांडवों से मिले, द्रौपदी से मिले, और उसके बाद भगवान कृष्ण बुआ कुंती के सामने जाकर खड़े हो गए।
कृष्ण ने कुंती को प्रणाम करके कहा कि हे बुआ, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अब मैं द्वारिका जा रहा हूं, तुम्हें जो कुछ भी मांगना हो हे बुआ तुम मांग लो, मैं देने को तैयार बैठा हूं। कुंती बुआ कहने लगी कि हे कृष्ण, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो ना कृष्ण, तो केवल और केवल इतना काम करो कृष्ण, मुझे इतना वरदान दो कि मेरे जीवन में हमेशा दुख ही दुख बना रहे, दुख ही दुख बना रहे। कृष्ण आश्चर्यचकित हो गए। कृष्ण कहने लगे कि अरे बुआ, ये कैसा वरदान तुम मुझसे मांग रही हो? अरे कितनी मुश्किलों के बाद तो तुम्हारे जीवन से ये दुख के बादल छटे हैं, अभी भी तुम दुख मांग रही हो। जब तक हमारे जीवन में दुख था कृष्ण, तब तक तुम हमारे जीवन में थे, और आज जब ये सारा वैभव आ गया, तब तुम हमें छोड़कर जा रहे हो कृष्ण। अरे ऐसे सुख का मैं क्या करूं कृष्ण, जो मुझे मेरे कृष्ण से जुदा कर दे। मुझे ये सुख नहीं चाहिए कृष्ण, मुझे ये सुख नहीं चाहिए। कृष्ण कहने लगे कि हे बुआ, तुम चिंता मत करो, तुम जब जब भी मुझे पुकारोगी, मैं उसी वक्त दौड़ा चला आऊंगा। बुआ को प्रणाम कर कृष्ण जाने के लिए रथ में सवार हो ही रहे थे कि उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर आए और आकर कृष्ण को हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे केशव, वहां सरसैया पर भीष्म पितामह आपके अंतिम दर्शनों की इच्छा लिए हुए बैठे हैं, आप वहां चलकर पितामह को एक बार दर्शन दे दें। उसी समय पांचों पांडव द्रौपदी को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण निकल पड़े उस स्थान पर जहां अर्जुन के द्वारा छोड़े गए बाणों की सरसैया पर भीष्म पितामह लेते हैं। दुर्योधन भी वहां पर खड़ा है, अर्जुन भी खड़े हैं, सब खड़े हैं। ज्यों ही अर्जुन को आया हुआ देखा भीष्म पितामह ने, उसी समय भीष्म पितामह की आंख गीली हो गई। भीष्म पितामह अर्जुन को कहने लगे कि अरे बस, देख मैं कितने दिनों से तेरे छोड़े गए इन बाणों पर सो रहा हूं। अरे अर्जुन, मुझे बड़ी प्यास लगी है, क्या तू मुझे पानी नहीं पिलाएगा? उसी समय अर्जुन ने अपने तुणीर में से एक बाण निकाला, गांडीव धनुष पर बाण चलाया और महाराज धरती में बींद दिया, और उसी बाण से बाण गंगा प्रकट हो गई, और उसी बाण गंगा की धार सीधी भीष्म पितामह के मुंह में। सामने केशव खड़े हैं और भीष्म पितामह अपने सजल नेत्रों से भगवान कृष्ण को निहार रहे हैं। भीष्म पितामह भगवान कृष्ण से कहने लगे कि हे केशव, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे केशव, आप इस पूरे संसार को तो छल सकते हो, लेकिन आप मुझे छल नहीं सकते, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं, आप वही हरि हैं जो अवतार लेकर इस धरती पर आए हैं। हे केशव, मैं वो दिन कैसे भूल सकता हूं जब आप शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में आए थे और दुष्ट दुर्योधन आपको बांधने चला था। हे केशव, तब उस सभा में जो आपने विराट का दर्शन करवाया था, उस दर्शन को मैं कैसे भूल सकता हूं कृष्ण, कैसे भूल सकता हूं? मैं जानता हूं केशव कि आप कौन हैं, और हे केशव, मैं वो दिन कैसे भूलूं जब भरी कौरवों की सभा में किम कर्तव्य विमूढ़ से मैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और धर्माचार्य बैठे थे, और उस अंधे धृतराष्ट्र के पुत्र दुष्ट दुशासन ने मेरी ही कुल वधु इस द्रौपदी के लाज को हरने की चेष्टा की थी, तब हे केशव तुम चीर बनकर उस सभा में प्रकट हो गए थे। मैंने आपके उस स्वरूप के दर्शन किए हैं केशव, किए हैं, मैं वो दृश्य कैसे भूलूं कृष्ण? और हे कृष्ण, मुझे मेरी प्रतिज्ञा याद आ रही है,
आपने प्रतिज्ञा ली थी कि महाभारत के युद्ध में मैं कोई शस्त्र धारण नहीं करूंगा, और मैंने भी प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं कृष्ण को शस्त्र हाथ में धारण नहीं करवा दूं, तब तक मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा। और हे केशव, मुझे वो दृश्य याद है जब मेरे बाणों की बौछार से अर्जुन के रथ का पहिया टूट गया था, अर्जुन निढाल हो गया था। तब हे केशव, आपने मेरी प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। आप उसी समय एक सिंह की भांति उस टूटे हुए रथ का पहिया लेकर मेरी ओर दौड़ पड़े थे। कृष्ण, मैं वो दृश्य कैसे भूलूं, मैं वो दृश्य कैसे भूलूं। कृष्ण, आप मुझे छल नहीं सकते। कृष्ण, मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, आप कौन हैं। लेकिन हे केशव, मेरे मन में एक संशय है। मेरे पिछले 100 जन्मों के पुण्य, मेरे पिछले 100 जन्म के कर्म मुझे याद हैं। मैंने मेरे पिछले 100 जन्मों में कोई पाप नहीं किया, लेकिन न जाने ये कौन से पाप का अपराध है कि आज मैं इस सरसैया पर पड़ा हूं। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे पितामह, याद करिए वो दिन जब पांचाली को, जो पांचाली रजस्वला अवस्था में थी, खुले केस पकड़कर दुष्ट दुशासन उसे सभा में लेकर के आया था। हे पितामह, आप भी उस सभा में विराजमान थे। अगर आप चाहते तो दुष्ट दुशासन वो कृत्य नहीं कर सकता था। आप चाहते पितामह तो दुर्योधन को रोक सकते थे, दुशासन को रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और जानते हो पितामह, अपराध करने वाला उतना अपराध का दंडी नहीं होता, अपराध करने वाला उतना अपराधी नहीं कहलाता। जो अपराध करते हुए को देखता है वो भी अपराधी कहलाता है। हे केशव, अब मेरी बुद्धि निर्मल हो गई है। हे केशव, मैं मेरी इस बुद्धि रूपी कन्या का आपसे विवाह करना चाहता हूं। हे केशव, आप मेरी इस बुद्धि रूपी कन्या का वरण कर लीजिए। उसी समय कथा कहती है कि भगवान श्री कृष्ण और भीष्म पितामह की आंखें एकाकार हो गई। दोनों की आंखें एक हो गई, दोनों के हृदय एक हो गए। महाराज, इस दृश्य को देखने के लिए आकाश मार्ग में सभी देवी देव खड़े हैं, सभी ऋषि गण खड़े हैं, सबके हाथ में पुष्प हैं। और ज्यों ही सूर्य नारायण उत्तरायण की ओर आए, उसी समय सबके देखते ही देखते भीष्म पितामह के शरीर से एक ज्योति निकली, और वो ज्योति पुंज निकलकर सीधा का सीधा भगवान कृष्ण के हृदय में प्रविष्ट हो गया। सारे देवी देवता आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि करने लगे, सभी अप्सराएं नृत्य करने लगी, और महाराज स्वर्ग में ढोल नगाड़े बजने लगे कि आज एक महापुरुष की देह छूट गई। मरण हो तो ऐसा हो, मरण कैसा हो ये हमें भागवत सिखाती है। जब भी अंत समय आए संसार का चिंतन मत करना, जब भी अंत समय आए संसार के रिश्तों को याद मत करना, जब भी अंत समय आए इस संसार को हृदय में मत रखना, बस केवल और केवल भगवान से इतनी प्रार्थना करना कि हे प्रभु, इतना जरूर करना कि जब मेरा अंत समय आए तब आपका दर्शन मुझे होता रहे, आपकी छवि मेरे हृदय में रहे, मेरे हृदय में। हे प्रभु, जब अंत समय निकट आए मुझे मेरे संसार के रिश्ते याद नहीं आए, केवल आपकी मनोहर छवि, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले मुझे केवल आपके दर्शन होते रहे, केवल आपके दर्शन होते रहे। तप प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले,
तेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, जग प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले लूं तब प्राण तन से निकले, कैला स्वामी जब प्राण तन से निकले। आज भीष्म पितामह की अंतरात्मा हमेशा हमेशा के लिए श्री कृष्ण की आत्मा में विलीन हो गई। विदा लेकर पांडवों से श्री कृष्ण द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए। अर्जुन भगवान कृष्ण को छोड़ने के लिए साथ गए। जब अर्जुन को आए हुए बहुत दिन बीत गए, युधिष्ठिर जी मन में विचार करने लगे। भीम और युधिष्ठिर आपस में बातें कर रहे हैं कि अर्जुन को गए हुए बहुत दिन हो गए, अभी तक अर्जुन आए नहीं हैं, न जाने क्यों मुझे अपशकुन सा लगने लगा है, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ। उसी समय उन्हें अर्जुन आते हुए दिखाई दिए। अर्जुन ने आकर के कहा कि हे धर्मराज, हे भैया, जिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा के बल पर हम इस संसार में जी रहे थे, वे भगवान श्री कृष्ण हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर अपने लोक की ओर प्रस्थान कर गए। जो ही ये समाचार कुंती बुआ ने सुने, उसी समय कुंती बुआ धरती पर गिर पड़ी और कुंती बुआ के प्राण निकल गए। युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि अब हमें संसार में रहना ठीक नहीं। पांचों पांडव परीक्षित को राज सिंहासन पर बिठाकर द्रौपदी को साथ लेकर स्वर्गारोहण की ओर प्रस्थान कर गए। एक एक कर पांचों पांडव हिमालय की वादियों में विलीन हो गए। पांचाली भी हिमालय की वादियों में विलीन हो गई और हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर राजा परीक्षित का राज्य स्थापित हो गया। धीरे 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 धर्म परायण राजा परीक्षित बड़े होने लगे। एक दिन राजा परीक्षित ने मन में विचार किया कि क्यों ना आज मैं शिकार खेलने जाऊं। ये जो ही मन में विचार आया, राजा परीक्षित अपने भंडार गृह में गए और वहां पर एक बहुत बड़ा बक्सा रखा था, उसे खोला और उसमें से एक बहुत सुंदर सोने का मुकुट निकाला और उस मुकुट को निकालकर सिर पर धारण किया और आखेट खेलने निकल पड़े।
जौ ही वन में पहुंचे बहुत सारे निर्दोष जानवरों को मारकर थके हारे प्यास लगने लगी और उन्हें दूर वन में एक ऋषि की कुटिया दिखाई दी। प्यास के मारे राजा परीक्षित उस ऋषि की कुटिया में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि ऋषि जी ध्यान मग्न हैं। थोड़ी देर तक तो राजा परीक्षित ने इंतजार किया, लेकिन अगले ही क्षण राजा परीक्षित के मन में ये भाव आया कि अरे मैं इस राज्य का राजा हूं और ये देखो ये साधु ध्यान करने का ढोंग कर रहा है, इसे मेरे आने की खबर तो लग गई होगी ना। राजा ने क्रोध किया, और ध्यान से सुनना, ये परीक्षित के जीवन का पहला क्रोध था। प्रथम बार राजा परीक्षित ने क्रोध किया। क्रोध के मारे राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रमित हो गई। वे कुटिया से बाहर आए, उन्होंने बाहर एक मरा हुआ सर्प देखा, उस सर्प को बाण की नोक से उठाया और अंदर आकर ध्यान मग्न उन ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से प्रस्थान कर गए। जो ही ये समाचार उस ऋषि के पुत्र को मिला, उस ऋषि के पुत्र ने उसी समय सरयू का जल, नदी का जल अपने हाथ में लिया और वज्र बाण छोड़ते हुए कहने लगा कि जिस किसी भी मूर्ख ने मेरे पिता का अपमान किया है उसे आज से ठीक 7 दिन तक्षक नाग डस लेगा और उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये कहकर और उत्तर दिशा में वो जल उस ऋषि के पुत्र ने छोड़ दिया। ऋषि का ध्यान टूटा, ऋषि को सारे घटनाक्रम का पता चला। उसी समय ऋषि ने ध्यान योग से देखा कि अरे ये तो पांडवों के वंशज श्री कृष्ण के कृपा पात्र हमारे महाराजा परीक्षित थे। उसी समय ऋषि ने अपने के शिष्य को संदेश देकर भेजा कि जाओ और राजा परीक्षित से कहो कि मेरे पुत्र ने आपको श्राप दिया है और आज से ठीक 7वें दिवस आपकी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से होगी। और उधर जो ही राजा परीक्षित हस्तिनापुर के महल में पहुंचे, उन्होंने मुकुट उतारा और उनकी सुमति वापस आ गई महाराज। क्योंकि वो जो मुकुट राजा परीक्षित ने धारण किया था वो मुकुट जरासंध का मुकुट था। क्योंकि जब युद्ध सारे खत्म हो गए थे तो जिन जिन राजाओं की जो जो वस्तुएं रण में जीती वे सारी वस्तुएं भंडार गृह में पड़ी थी और वो मुकुट जरासंध का आज राजा को बड़ा अच्छा लगा। अरे मैंने अभी अभी अपराध किया और अभी अभी आपने मुझे मेरे अपराध का दंड दे दिया। कथा कहती है कि उसी समय राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर बैठाया और खुद अनशन व्रत लेकर निकल पड़े गंगा घाट की ओर। जो ही सारे प्रदेश में समाचार फैला कि राजा परीक्षित को श्राप मिल चुका है और राजा परीक्षित गंगा घाट पर आकर बैठे हैं, सारे ऋषि मुनि दौड़ दौड़ कर उस स्थान पर आने लगे। बड़े बड़े महात्मा उस स्थान पर आए और सब आकर राजा परीक्षित के आगे बैठ गए। राजा परीक्षित ने सबसे मात्र एक प्रश्न किया कि हे महात्माओं, मेरे जीवन का एक प्रश्न है कि जो मनुष्य अभी अभी मरने वाला है, जिसकी मृत्यु अभी अभी होने वाली है, उसका क्या कर्तव्य है, उसे क्या करना चाहिए? क्या ये प्रश्न राजा परीक्षित का प्रश्न था, बताइए ना? नहीं महाराज, मुझे हृदय से क्षमा कर देना, कहीं ना कहीं ये प्रश्न आप और हम सभी के जीवन का प्रश्न है कि अभी अभी जो मरने वाला है, न जाने कौन सी घड़ी कौन से पल में हमारी आंख बंद हो जाएगी, ये कौन जानता है? क्या हमने कभी ऐसा प्रश्न हमारे गुरुदेव से किया? क्या हमने कभी किसी वीतराग महापुरुष से ऐसा प्रश्न पूछा कि अगले क्षण अगर मेरी मौत आ जाए तो मुझे इस क्षण में क्या करना चाहिए? हम कभी नहीं पूछते। और कथा कहती है कि वहां पर जितने भी महात्मा बैठे थे, उन महात्माओं में से किसी महात्मा ने राजा परीक्षित का प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यहां पर शौनक आदि ऋषियों ने एक प्रश्न कर लिया कि हे सूत जी महाराज, तो फिर उस प्रश्न का उत्तर किसने दिया? सूत जी महाराज कहने लगे कि उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवद प्रेरणा से सुखदेव भगवान वहां पर पधारे। और जो ही शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, शौनक आदि ऋषिगण उतावले होने लगे कि हे महामुने, हे सूत जी, आप तो जल्दी जल्दी ये बताइए
कि सुखदेव जी ने उस प्रश्न का क्या उत्तर दिया और ऐसी कौन सी कथा सुनाई जिससे राजा परीक्षित मुक्त हो गया। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे शौनकादि ऋषियों, मैं आपके हृदय में परमात्मा का अगाध प्रेम देख रहा हूं। वो कथा तो मैं तुम्हें सुनाऊंगा लेकिन कल दोपहर को ठीक 3 बजे। आइए महाराज, आज की द्वितीय दिवस की कथा को हम यहीं विराम दें। 2 दिवस की कथा पूरी होने को आ रही है और मेरे सामने जो शास्त्र पड़े हैं उस शास्त्र में अभी तक 1 दिन की कथा भी पूरी नहीं हो पाई। ये व्यास पीठ है महाराज, यहां पर जब बैठता हूं तब मेरे बस में मेरा समय नहीं रहता। ये सांवला सलोना गोविंद कृष्ण मुरारी माधव जैसा बुलवाता है वैसा बोलता हूं। कल की कथा में सुखदेव मुनि का आगमन होगा और धीरे धीरे ज्यों ज्यों ठाकुर जी अपने जन्म के उत्सव पर ये जो कथा हमसे करवा रहे हैं, जैसी कथा करवाएंगे हम करेंगे। आइए हम लोग आरती में प्रवेश करें, उससे पूर्व कुछ हमारे व्यास मंच की मर्यादाएं होती है उसका निर्वहन होगा। आज की हमारी कथा में बहुत सारे महानुभाव पधारे हैं। गुरु गोविंद जी कल्ला हमारी जोधपुर की संगीत की एक विरासत है, मैं इन्हें हृदय से प्रणाम करता हूं और आपसे अनुरोध जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन करें। और हमारे बीच में हमारे ही पुष्करणा समाज के गौरव श्री श्याम जी बोहरा हमारे बीच पधारे हैं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर कितने ही ब्राह्मण बालकों को रुद्री का पाठ सिखाया है। जब ऐसे महान पुरुष और ऐसे महान व्यक्तित्व जब कथा में आते हैं तो मेरा हृदय महाराज हर्षित हो जाता है। मुझे लगता है कि मेरा व्यास पीठ पर बैठना साकार हो गया, कि इन समाज के इन गुणीजनों का आशीर्वाद मुझे मिलता है। आइए हम लोग आरती में प्रवेश करें, उससे पूर्व कुछ मंच की मर्यादाओं का निर्वहन।